हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब? सब बढ़िया? प्रैक्टिस चल रही है? जैसा मैंने कहा है, रोज 5 मिनट। हेलो, वेलकम बैक टू स्टार्ट इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार, आई पेश कर चुका हूँ। मैंने कल वीडियो दिया था, जिनको ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था और आज भी उन्हीं के लिए दिया हूँ, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो शायद समझ में नहीं आया, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स, जीरो से लेकर टॉप तक, जीरो से लेकर हीरो तक, एकदम कंप्लीट एडवांस्ड कोर्स देने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक। जिनको आता है उनको उनकी इंप्रूव हो जाएगी, जिनको नहीं आता उनको आ जाएगी, बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम टॉप तक पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स दूंगा। मैं बोला हूं तो मैं दूंगा। बस आप वीडियो को शेयर करता है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे और बेहतर देने के लिए काम मन से करो। ऐसे भी थोड़ा सा काम लगेगा ना कि चलो कोई देख नहीं रहा, लेकिन बोले तो है तो देना पड़ेगा, मजबूरी में, एक शौक से है ना, मन से दूंगा अंदर से। तो आप, मैं बोला ना, आपके अंदर कोई किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, इसको किस सेंस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, स्लोगन में आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आज बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए कि मुझे इंस्पिरेशन मिलते रहे। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आपको एसआरडी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल था ऑर्डर देना, कम हियर, यहाँ गो देयर, वहां जाओ, सेट हियर, यहाँ बैठो, रीड, पढ़ो, लिसन टू मी, बात सुनो, ये था ऑर्डर देना। आज कुछ मना कर रहे हैं, मना करना कुछ है तो उसके लिए क्या करते हैं, हाँ ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत करो, चाय मत पियो, ये नहीं करो, टंग मत करो, इस तरह बोलना हो, इसके लिए इंग्लिश का नियम क्या है, शुरू करते हैं डोंट से। ये डू नॉट का ही मतलब कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का जोड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ना डोंट ही पढ़ना ना, डू नॉट नहीं पढ़ना, डोंट, डोंट। तो क्या करना है, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन था गो, कम जो हम पहले शुरू में करते हैं, आना जाना, इस स्पेलिंग गो, कम, प्ले, टीच, रीड, आना जाना, खेलना कूदना, पढ़े, याद करते हैं पहले वो वाले, ठीक है। बात करते हैं मना कर, ठीक है। अब बोले वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, क्या करें, मना करें, क्या इंग्लिश में पहले क्या आएगा, मत, डोंट, फिर क्या आएगा, कम, जाओ, डोंट गो, मत जाओ, कहां, वहां, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं मुझे हाथ मत लगाओ, यानी बोल रहे ना कि मुझे हाथ मत लगाओ, यानी टच मत करो, तो काम क्या है, मना कर रहे हैं ना, डोंट। अब फिर से काम क्या है, टच करना, हाथ, डोंट टच किसे, मी को, मुझे, डोंट टच मी, अगर बोलना हो ना किसी वस्तु को, मतलब मुझे नहीं, डोंट टच माई फोन, यानी मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, मैं कहना है मतलब मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, डोंट टच, टच मत करो, डोंट, दैट इज डोंट टच किसे, अब माई नहीं, मी नहीं, माई फोन, तब बात करते, अब जिनको बिल्कुल नहीं आता या उनके उनके लिए है, मी नहीं, मी मतलब मुझे, बट माई फोन, माई बाइसिकल, माई माई वॉच, माई वर्कर, माई रूम, ऐसे मतलब मेरे फोन को हाथ मत लगा, डोंट टच माई फोन, डोंट टच माई चार्जर, डोंट टच माई ब्रदर, डोंट टच माई फादर, इस तरह हाथ में लगाओ, नहीं तो तुम कहीं हाथ कहीं और रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए भूल गए, दूसरों से बात मत, दूसरों की बात मत सुनो, तो काम क्या, सुनना, बस माना करे ना, डोंट, डोंट, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है अपन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा टिक निकल चुके, इस वास्ते सीख रहा हूं, मतलब आपका आपकी हेल्प से मैं सीख जाऊंगा। और ओके, डोंट लिसन, मत सुनो टू अदर्स, ठीक है, लिसन के बाद टू लगा देना, लिसन के बाद टू लगा देना, लिसन टू सॉन्ग्स, गाने सुना, लिसन टू मेरी बात सुना, लिसन टू अदर्स, दूसरों की बात सुना, बट माना करें, डोंट लिसन टू अदर्स, अदर्स में क्या, दूसरों, दूसरे लोग है ना, अदर पीपल नहीं होते, अदर्स होते हैं, दूसरों की बात मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर्स, माने बोले डोंट डू दिस एट, आपने दिस एट है ना, ये अभी कोई आप दिस एट कोई कर सकते हैं, स्पोकन है, स्पोकन में थोड़ी सी लिबर्टी, आजादी थोड़ी मिलती है, हल्का फल्का गलती करने की, ऐसे आप हिंदी बोलते हैं तो आप क्या मानते हैं कि आप प्योर हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, नहीं कोई नहीं, मैं भी नहीं मानता हूं, इसके लिए बहुत अच्छी लेवल पढ़ाई चाहिए, पर आपने डोंट डू दिस एट अगेन, यानी कि यह ये दोबारा मत, डोंट डू मत करो, क्या ये अगेन मतलब क्या, फिर से दोबारा, मान लिया किसी ने बोल दिया, कुछ कर दिया, आपको तंग कर दिया, फिर दिया, देखो भैया कर लिया से कर लिया, डोंट डू इट दिस अगेन, अब ये दोबारा मत करना, ठीक है, ये दोबारा फिर से, या तो दोबारा बोले या फिर से, दोबारा बोले या फिर से, एक ही बात है, अगेन, फिर से नहीं, तो क्या है, ये दोबारा या फिर से मत करना, तो डोंट डू, काम क्या करना, डोंट डू क्या, ये दिस या इट,
अगेन के लिए, दोबारा के लिए, फिर से डोंट डू इट अगेन, ये दोबारा मत करना। अब बोल रहे हैं मां ने कुछ बोल दिया, अब गुस्सा आ गया, बोल दिया से बोल दिया, दोबारा मत बोलना। तो डोंट से, डोंट से मत बोलना, दिस साइड ठीक है दोनों चलेगा, दिस साइड कोई चल सकता है। अगेन डोंट से वहां पर काम करता कहना, करना यहां पर काम क्या कहना, डोंट से मत कहना क्या ये कब दोबारा, तो डोंट से डोंट मत कहना मतलब ये दोबारा या फिर से मत कहना, बोल दिया से बोल दिया, एक बार बोल दिया ना दोबारा नहीं, तो अगली बार ओके। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, उनके लिए भी जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े यानी समझे ओके। आप बोले ना मेरा दिमाग मत खराब करो, दिमाग खराब करना को बोलते हैं ना इरिटेट, तंग कर रहे चढ़ा रहे, देखो दिमाग मत खराब करो, तो बोले मेरा दिमाग मत खराब करो, डोंट मना करे, डोंट हो गया खराब करना क्या हमारा काम है वो आएगा, डोंट इरिटेट, डोंट इरिटेट, डोंट इरिटेट किसका किसका मीन, तो ये क्या होना कि यहां पर ये जो ये लिखे ना इरिटेट, तो ये खराब करना और दिमाग ठीक है ये तीनों हो गया, डोंट लिखे इरिटेट मतलब दिमाग में हो गया और खराब करना तीनों वर्ड खत्म हो गया, तो बचा क्या सिर्फ मैं बचाना, सिर्फ मी, माई नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ब होता है ऑब्जेक्टिव के साथ की जगह मी आता, माई तब आता ना कि माई फोन माई कार, ऐसे यही मैंने आपको यहाँ बताया था कि माई फोन माई कार माई माई हाउस माई ब्रदर माई सिस्टर ऐसे यूज करना है, नहीं तो बस मी। आप बोले आगे मुझसे बात मत करो, माली गुस्सा आ गया ए देखो मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो दूर रहो हमसे, मतलब गलती किसी और का सुने कुछ हम कुछ बोल दिया कर, तुम क्या डोंट टॉक मैं इस बात करना, डोंट टॉक टू लगा ठीक है से के लिए, डोंट टॉक टू मी अरे क्या बोला मी मी, डोंट टॉक मुझसे बात मत करो किससे मुझसे, अरे बोले डोंट कॉल मी अगेन, हमारे आपको फोन कर दिया गुस्सा आ गया देख अब ना दोबारा फोन करना, तो तब से मेरा दिमाग खराब कर रहा, तो कह लो डोंट कॉल मी अगेन यानी कि डोंट कॉल है ना मत कॉल करना किसे मुझे कर फिर से, इंग्लिश में जो बेसिकल टाइम आता है ना वो लास्ट में आता है, एक अगेन क्या होता है फिर से टाइम दिखा फिर से दोबारा मत कॉल करना टाइम दिखाया अंत करेगा ठीक है। अगर डोंट मेक अ नॉइज बहुत सिंपल सा है, मेक अ नॉइज भी क्या होता है हल्ला करना, मेक अ नॉइज हल्ला करना, डोंट मत करो क्या हल्ला, तो डोंट मेक हल्ला मत करो, यहाँ पर डू मेक मैंने करना हो जाएगा ठीक है, मेक मैंने करना हल्ला करना होता है मेक अ नॉइज ना कि डू, यहाँ पर डू करिएगा तो गलती हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह हम बोले हैं और भी सेंटेंस, डोंट गो देयर, डोंट टच मी, डोंट टच माई फोन, डोंट लिसन टू अदर्स, डोंट डू दिस या इट अगेन, डोंट से इट अगेन या डोंट से दिस अगेन, डोंट इरिटेट मी, डोंट टॉक टू मी, डोंट कॉल मी अगेन एंड डोंट मेक अ नॉइज, इस तरह डोंट कम हियर, डोंट कम टू माई हाउस मेरे घर पे मत आना, इस तरह मना करना हो इसके डोंट डोंट यूज करना और काम है बोल देना, काम क्या आना जाना खेलना कूद ये पहले बोल देना ठीक है, हिंदी में क्या होता है लास्ट में, अंग्रेजी में क्या होता है बगल में आता है, बस काम करने वाला व्यक्ति बोले उसको बोलते हैं, इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन सा है आप ही को तो बोल रहा ना, जो सुन रहा उसी को ना बोलेंगे यू, वहां मत जाओ किसको आपको बोल रहा, इसका मतलब यहां पर यू हमेशा छिपा हुआ रहता, वहां मत जाओ मैंने यू, यहां मत आओ यू, मुझसे बात मत करो मतलब यू, आप ही को तो बोल रहा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करते रहिए, मैं पूरा कोर्स बिल्कुल मन से दूं एकदम खुल के एकदम एडवांस तक ठीक है, देखिएगा अंत होते होते आपकी अंग्रेजी कैसी होती है, लेकिन बस बिल्कुल शुरू से मैं उनको भी दे रहा हूं जिनको बिल्कुल नहीं आता, मेरा काम है ना एवरी वन, मेरा जो टारगेट है एवरी वन। तो फिर आज के लिए इतना ही, कभी कभी वीडियो लेट हो जा रही है तो पता लेट आपको रोज मिल रहा है, बोलो 7 बजे कभी आधा घंटा लेट हो जा रहा है, थोड़ा नेट स्लो होता तो यही दिक्कत होता है और भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग, शेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपस में बोलते रहिए, घर में माहौल बनाइए, बोलते रहिए जितना हो सके उतना बोलिए, तब आपको इंग्लिश आएगी, फिर ये बोलने में नहीं लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी ओके। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, एंजॉय योरसेल्फ।